सो हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज। तो आज आम डिस्कशन करिबा थ्री क्वेश्चन्स रो यूनिट टू। तो चलतु यूनिट टू कौन अच्छी देखा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर क्विटेड। द हर्मिट माने से साधु जनक जहाँ को राजा भेटापी जाते लिव्ड इन ए वुड गोटे जंगल रे बास करुले व्हिच ही नेवर क्विटेड। आ जंगल को से साधु जनक केबे भी छाड़ी जा नथिले। से जंगल रे ही से सबुदिन रो था। एंड ही रिसीव्ड नन। आ साधु जनक से अन्य काको भेटु था। बट किंतु कॉमन फक फक माने लोक से केवल साधारण लोक ही साधु जनक भेटु था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथेस। सो तेणु द किंग राजा कौन कले ना पुट ऑन माने पिंधिले सिंपल क्लॉथेस साधारण पोशाक पिंधिकी सेटाक गले। जेहेतु साधु केवल साधारण लोक ही भेटती तेणु राजा साधारण पोशाक पिंधिकी गले। एंड बिफोर रिचिंग द हर्मिट सेल। आ से हर्मिट्स साधुर सेल माने कोठरी को पहुँचवा पूर्वर डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। डिसमाउंटेड माने ओल्ल पड़े फ्रॉम हिज हॉर्स घोड़ से अवतरण कले। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड। आर देह रखिक बॉडीगार्ड को से पछरे छाड़िकी गले। साधारण व्यक्ति हिसाब से जा घोड़ा बॉडीगार्ड को से पछरे रखी जाती। वेंट ऑन एलोन। आ से एकुटिया सेटाक गले चली करी गले। व्हेन द किंग एप्रोच्ड। आउ जेते बेले राजा तांको साधु निकटे पहुँचिले एप्रोच माने पहुँचिले। द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। द हर्मिट से साधु जनक कौन करुथिले वाज डिगिंग द ग्राउंड भूमि को खळुथिले। इन फ्रंट ऑफ हिज हट तांको कुडियार सम्मुखरे थिबा भूमि को साधु जनक खळुथिले। सीइंग द किंग से राजा को देखिकी से साधु जनक ही ग्रेटेड हिम। ही माने से साधु जनक तांको नमस्कार कले। एंड वेन्ट ऑन डिगिंग। आउ पुणी थरे से माटी खोलिबाकु लागिले। साधु को जेतेबेले राजा साधु पाख को पहुँचिले साधु जनक स्वागतम कले नमस्कार कले। आउ पुणी थरे माटी खोलिबार लागिले। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड विक। द हर्मिट से साधु जनक किपरि थिले फ्रेल थिले असुस्थ थिले एंड विक आउ दुर्बल मध्य थिले। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड। एंड ईच टाइम एवं प्रतिथर हि माने से साधु जनक स्टक हिज स्पेड। स्पेड माने कोदाल को स्टक माने प्रहार करुथिले इनटू द ग्राउंड माटी जेतेबेले से कोदालटी को प्रहार करुथिले। एंड टर्नड ए लिटिल अर्थ एवं अल्प किछि माटी को जेतेबेले से ओलटाउथिले। हि ब्रेथड हेवीली सेतेबेले से जोरे निश्वास नउथिले काहेकि साधु जनक बहुत असुस्थ थिले आ दुर्बल थिले तेणु माटी जेतेबेले से ओलटाउथिले से जोरे निश्वास नउथिले। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। राजा कौन कले पाख को गले। एंड सेड आउ कहले आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। से ज्ञानी साधु जनक आई हैव कम टू यू मु आपण पाख को आसी टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन। टू आस्क यू आपन को पचारे को टू आंसर थ्री क्वेश्चन जे तीनोटी क्वेश्चन रो उत्तर पचारे मु आपण पाख को आसी। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न मु किपरि सिखिपारिबी टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम जे सठिक समय रे मु सठिक काम किपरि करि पारिबी। हु आर द पीपल आई मस्ट नीड। हु आर द पीपल कौ माने लोक आई मस्ट नीड जो मन को मोर निहाती दरकार कौ माने सबटारे इंपोर्टेंट लोक। एंड टू होम सुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट। देयर फॉर एई कारण रु टू होम माने कहा को सुड आई पे मोर अटेंशन मु अधिक ध्यान दबा दरकार देन टू द रेस्ट बहुत लोक अछंती समस्त को ठारु मु कहा को ध्यान दबा दरकार। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। आउ सबुठारु कोंटा इंपोर्टेंट गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना कोंटा। एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन आउ जोंटारे प्रथम मोर ध्यान दबा दरकार बोली ए तीनोटी क्वेश्चन से साधु जणको पचाले। द हर्मिट लिसन टू द किंग। आउ से साधु जणको राजांक कथा को सुनिले बट एनसर्ड नथिंग किंतु किछि जवाब देले नै। हि जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड। हि माने से साधु जणको स्पैट माने छेप पकेले ऑन हिज हैंड तांको हाथ रे एमते थो कर देले। एंड रिकमेन्सड डिगिंग। रिकमेन्सड माने पुणी थोड़े आरंभ कले डिगिंग माटी खोलिबा को आरंभ कले। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा साधु को कहले यू आर टायर्ड आपन थकी पड़ी लेट मी टेक् द स्पेड मत आप कदाल दिंतु एंड वर्क वाइल ए फर यू आउ मत कि समय आपण कम करने को मत दिंतु यही कथा आमर साधु को से कहले राजा जनक। थैंक्स सेड द हर्मिट। आउ साधु जनक राजा को धन्यवाद जनइले। एट गिविंग द स्पेड टू द किंग। आउ राजा को से कदाउटी देदेले। सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। आउ से कौन कले ना भूमि रे बसी पड़े से साधु जनक सेट डाउन कले बसी पड़े ऑन द ग्राउंड भूमि रे।
ହଇନ୍ ହି ହ୍ୟାଡ଼ ଡଗ୍ ଟୁ ବେଡ଼୍ସ ହଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ହି ମାନେ ରାଜା ଜଣକ ହେଡ଼୍ ଡଗ୍ ମାନେ ଖୋଳିଥିଲେ ଟୁ ବେଡ଼୍ସ ଦୁଇଟା ବେଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିଲେ ବେଡ଼୍ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ବଗିଚାରେ ବା କ୍ଷେତରେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ଏପଟେ ଦେଇ ଯିବା ଆସ ହେବ ବା ପାଣି ଯିବ ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଥିବ ଏଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ କୁହାଯାଏ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦୁଇଟା ବେଡ଼୍କୁ ଖୋଳି ସାରିଥିଲେ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଖୋଳିବା ବନ୍ଦ କଲେ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଡ୍ ହିଜ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଏଗେନ୍ ଗେଭ୍ ନୋ ଆନ୍ସର୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ସେଇ ସାଧୁ ଜଣକ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଗେଭ୍ ନୋ ଆନ୍ସର୍ ଆଦୌ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ବଟ୍ ରଜ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବସିଥିଲେ ଭୂମିରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଫର୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ କୋଦାଳ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଓ ରେଷ୍ଟ ଏ ୱାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ୱାର୍କ ଏ ୱିଟ୍ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କଥା ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ରାଜାକୁ କହିଲେ ବଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ସ୍ପେଡ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ କୋଦାଳ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଗ୍ ଆଉ ସେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ କୋଦାଳ ମାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କୋଦାଳ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ୱାନ୍ ଆୱର୍ ପାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଆଣ୍ଡ ଅନଦର ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ଦ ସନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ସିଙ୍କ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛ ପଛରେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଥିବ ପାହାଡ଼ ପଛକୁ ଯାଏ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ପଛପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ରାଜା ଶେଷରେ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶେଷରେ ଷ୍ଟକ୍ ଦ ସ୍ପେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରହାର କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ କହିଲେ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ୟୁ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଫର୍ ଏନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ମାଇ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ ମୋ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଭ୍ ମି ନନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଟେଲ୍ ମି ସ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ହମ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ଏହି କଥା ରାଜା ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହିଅର୍ କମ୍ ସମ୍ ୱାନ୍ ରନିଂ ସେଟ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ହର୍ମିଟ୍ କହିଲେ ହିଅର୍ ଏଠାକୁ କମ୍ସ ସମ୍ ୱାନ୍ ରନିଂ ଜଣେ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଲେଟ୍ ଆସ୍ ସି ହୁଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କିଏ ଦ କିଙ୍ଗ ଟର୍ନ ରାଉଣ୍ଡ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଘୁରି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଡ ସ ଏ ବିୟର୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ କମ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଉଡ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଦ ମେନ୍ ହେଲ୍ଡ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରେସ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ତାର ଷ୍ଟମାକ୍କୁ ତାର ହାତରେ ଚାପିକି ଧରୁଥିଲା ତାର ପେଟଟିକୁ ସେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଧରୁଥିଲା ଚାପି କରିକି ଧରୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେମ୍ ଆଉ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତ ତଳୁ ବହି ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ଲୋଇଂ ମାନେ ବହି ଚାଲିଥିଲା ହୋଇନ୍ ହି ରିଚ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଉ ସେଇ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହି ଫେଲ୍ ଫେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ଫେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମର୍ନିଙ୍ଗ ଫିବ୍ଲି ମର୍ନିଙ୍ଗ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବା ଜ୍ୱରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୱରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଫିବ୍ଲି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଅନ୍ଫାଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ସ କ୍ଲଥିଙ୍ଗ ଦ କିଙ୍ଗ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ଆଉ ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ଫାଷ୍ଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ ଦ ମେନ୍ସ କ୍ଲଥିଂ ସେ ଲୋକଟିର ଜାମାଟିକୁ କପଡ଼ାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଆର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଦେଆର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖତଟେ ଥିଲା ଉଣ୍ଡ ମାନେ ଖତ ଥିଲା ଇନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖତଟେ ହେଇଥିଲା ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ବେଷ୍ଟ ହି କୁଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରାଜା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ସେ ଖତଟିକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଏଜ୍ ବେଷ୍ଟ ହି କୁଡ୍ ସେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ କାମଟିକୁ କଲେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍କରଚିପ୍ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ନା ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍କରଚିପ୍ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡକରଚିପ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍କରଚିପ୍ ବୋଲି ପଡ଼ାଯାଏ ତାଙ୍କ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଟାଉଲ୍ ଦ ହର୍ମିଟ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ସାଧୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟାଉଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ ବଟ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବହିବା ଆଦୌ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିମୁଭ୍ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ବାରମ୍ବାର ରିମୁଭ୍ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ସକ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ କପଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଗରମ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୱାଷ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଧୋଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ରିବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଦ ଉଣ୍ଡ ଆଉ ଖତଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ ହଇନ୍ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ସେଇ ରକ୍ତ ସିଜ୍ଡ ଫ୍ଲୋଇଂ ସିଜ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଦ ମେନ୍ ରିଭାଇଭ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରିଭାଇଭ୍ଡ ହେଇଗଲେ ମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଯେମିତି ହେଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଫର୍ ସମଥିଂ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲେ ଫର୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ମାଗିଲେ ଦ କିଙ୍ଗ ବ୍ରଡ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ସତେଜ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦ ସନ୍ ହେଡ୍ ସେଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିକମ୍ କୁଲ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ରାତିର ଆଗମନ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା
सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प राजा तेणु राजा हर्मिट कर साहय कैरेड द ओंडेड मैन इन टू द हट से ही कैरेड मैंने बोक नहीं गले से ओंडेड मैन क्षत व्यक्ति को इन टू द हट कोड़िया को नहीं गले एंड लेड हिम ऑन द बेड आउ बिछण से शईदे लेड मैंने शईदे लेइंग ऑन द बेड द मैन क्लस्ट ही जाइज लेइंग ऑन द बेड मैंने बिछण से शईकि द मैन क्लस्ट ही जाइज से व्यक्ति जनक आंखि को बंद करदे से मरी ना से आंखिटी को बंद करदे से शई पड़े एंड व्वाज क्वैट आउ से शांत मैंगले बट द किंग व्वाज सो टायर्ड किंतु राजा बहुत थकी जाते कहीं विथ हिज वाक चलिक आसते एंड विथ द वर्क ही डन आउ से करम राजा बहुत थकी पड़ते देट ही क्राउच डाउन ऑन द थ्री शॉट से कौन कले क्राउच डाउन मैंने तले जबुड़ी सही गले ऑन द थ्री शॉट कबाट दर कबाट पाखे तुम देख तले गोटे एम लगी था एमती कबाट थी ये कबाट तले लगी से जाकी सही गले एंड अल्सो फेज ए स्लीप आउर निद लगी जाता सो साउंडली देट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट सो साउंडली मैंने से गभीर भाव में सही जाते देट ही स्लेप्ट से सही गभीर भाव में ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट से ग्रीष्म दिन छोट राति राति सारा से गभीर भाव में सही पड़ते परिश्रम जो व्हेन ही अवोक जिते से उठी पड़े इन द मॉर्निंग सका इट वाज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेम्बर से मन पकेवा को बहुत समय लगे इट वाज लॉन्ग माने से बहुत समय नहीं टू रिमेम्बर मन पकेवा को व्हेयर ही वाज जे से कौटे अच्छा और किंबा हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन आउ ये जो स्ट्रेज जो अजणा बियर्डेड मैन किए लेइंग ऑन द बेड जे कि बिछण से सही एंड गेजिंग इंटेंटली आउ स्थिर दृष्टि देखुं विथ शाइनिंग आईज चमकुवा आंखि राजा को स्थिर दृष्टि देखुले तेणु राजा एक कथा भावे लगे फॉरगिव मी मत क्षमा करूँ सेट द बियर्डेड मैन इन ए विक वॉइस धीर वॉइस रे से दाढ़ी रखिता व्यक्ति जनक कहले फॉरगिव मी मत क्षमा कर दिंतु व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक ए कथा से केते बेले कहले व्हेन जेते बेले ही सॉ दैट से देखिवा को पाइले द किंग वाज अवेक राजा उठी पड़ी एंड वाज लुकिंग एट हिम आउ तांको देखुचंती राजा से बियर्डेड मैन को देखुले सेते बेले से लोकटी कहते हैं मत क्षमा कर दिंतु आई डू नॉट नो यू राजा कहते मु तो आपन को जानी ना एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू आउ क्षमा करिया भली तो किसी कथा नहीं सेट द किंग ए कथा कहले राजा यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू से व्यक्ति जन कहते यू डू नॉट मी जे आपन मते जानी ना बट आई नो यू किंतु मु आपन को जानचे आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स मु जने आपन को शत्रु हु स्वर जे कि राण खाई टू रिभेज हिमसेल्फ ऑन यू आपन को ऊपर प्रतिशोध नबार गोटे मु शपथ नहीं बिकज यू एक्जिक्यूटेड हिज ब्रदर ता कारण कौन ना राजा तांको भाई को एक्जिक्यूट करते माने तांको मृत्युदंड देते एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी आउ तांकर जेते सब संपत्ति थिला संपत्ति को सीज कर देते माने जबत कर नहीं आई न्यू मु जानी थी यू हैड गन एलोन जे आपण एकुटिया जाइछंती टू सी द हर्मिट साधु को भेटिबा पई आपण एकुटिया जाइछंती एंड आई रिजल्ट आ मु निष्पत्ति नहीं रिजल्ट माने निष्पत्ति नहीं टू किल यू आपण को मारिया मु निष्पत्ति नहीं ऑन योर वे बैक जिते आपड़ फेरिक आसी था मुझे मारवापी निष्पत्ति नहीं बट किंतु द डे पास्ट किंतु दिन बीतीगला एंड यू डिड नॉट रिटर्न किंतु आपड़ तो फेरिक आसिले दिन सरीगला कि आप फेरिक आसिले सो तेणु आई केम आउट फ्रम माई एम्ब्यूस आउ एम्ब्यूस मैंने लुचिकी जोठे थी सेठार बाहर की आसली टू फाइंड यू आपन को खोजापी एंड आई केम अपन योर बॉडीगार्ड आउ मु आपन को खोजिला बेले आपन को बॉडीगार्ड रे सम्मुखीन आसीगली एंड दे रेकग्नाइज्ड मी आउ से माने मते रेकग्नाइज कले चीनी पकेले एंड ऑन्डेड मी आ मते एमती खत कर दीछंती आई एस्केप फ्रॉम देम मु एस्केप करके आसली से मानन को ठारु खसी पळे आसली बट किंतु शुड हैव ब्लेड टू डेथ किंतु मु निहाते ब्लेड माने रक्त बही कि मु मरी जाइथांती हैड यू नॉट ड्रेस्ड माय वुंड जदि आपन मोर खत रे ड्रेस कर न थांते ताको बैंडेज न करथांते ताले मु ब्लीडिंग करके मरी जाइथांती रक्त बही कि मु मरी जाइथांती आई विश टू किल यू मु विश करथिल इच्छा करथिल टू किल यू आपन को मारिबा पई एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ किंतु आपण कौन कले मोर जीवन को बचेदेले नाउ वर्तमान इफ आई लिव जदि मु बंचिबी एंड इफ एवं जदि यू विश इट आउ जदि आपण चाहती आई विल सर्व यू मु आपणकर सेवा करिबी एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव आपणकर सबुठार विश्वस्त दास भली मु आपणकर सेवा करिबी एंड विल बिड माई सन टू डू द सेम आ मोर पुओ को मध्य एमती समान काम रे मु मध्य लगेदेबी फॉरगिव मी मते क्षमा करंतु द किंग वाज वेरी ग्लैड राजा बहुत खुशी हो गले टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी एनिमी सहित पीस कर शांत कर शांति प्रतिष्ठा कर सो इजिली बहुत सुविधा से शत्रु सहित बंधुता कर राजा बहुत खुशी हेले एंड टू गेव गेंड हिम फॉर ए फ्रेंड आउ गोटे सांग भाई से पाई
गेंड मैंने पाई सांग एंड ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम राजा केवल फॉरगिव करन क्षमा करन बट सेड किंतु कही ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स सर्वेंट चाकर आउ ऑन हिज ऑन फिजिशियन आउ निजस्व चिकित्सक को पाखक पठाइबे टू अटेंड हिम तांकर देखाशुणा करने एंड प्रमिश टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी आउ तांकर संपत्ति को रिस्टोर मान तांको फेरे देवाई प्रतिज्ञा देते मुझे आशा करें बुझीपार। थैंक यू, दिस इज मानस साइनिंग ऑफ। बाय।